अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी पास्ता। उसके लिए ये हमने लिया है 200 ग्राम करी पास्ता है और इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। पत्ता गोभी है और ये शिमला मिर्च है, लाल, हरी, पीली और गाजर। और ये हमने दो हरी मिर्च बीच से काट के लिए हैं और ये एक टमाटर काट के लिया है। और ये हमने थोड़े से एक चम्मच के करीब लहसुन है 10-12 कलियाँ बारीक काट ली हैं। एक प्याज भी काट के रखा हुआ है। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये मसाले हैं, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला 1/2 चम्मच है और थोड़ी सी हल्दी है 1/4 चम्मच और थोड़ा सा ही नमक है। नमक मिर्च आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये मैगी मसाला 1 पुड़िया हम इसको टेस्ट के लिए ऊपर से डालेंगे। अब हम पास्ता को उबालेंगे। ये देखिए पानी गर्म होने लगा है। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। पानी में उबाल आने वाला है, पास्ता हम डाल देंगे, इसको पकाएंगे मुलायम होने तक। ये देखिए पक गया है पास्ता, मुलायम हो गया। 5 से 6 मिनट लगे हैं करीब करीब। अब इसको हम छान लेंगे। ये कढ़ाई ली है हमने, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है और ये मक्खन 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसको मक्खन को गर्म करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम ये जो लहसुन काट के रखे हैं इसको डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन को भूनेंगे 2 मिनट। अब इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को मुलायम होने तक हल्की गुलाबी करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा। इसमें जो हमने हरी मिर्च दिया था इसको भी थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को तब तक पकाएंगे मुलायम होने तक। टमाटर मुलायम हो जाए फिर उसके बाद हम सब्जियां डालेंगे। और ये देखिए टमाटर अब मुलायम हो गए हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन गया। अब इसमें हम सबसे पहले गाजर डालेंगे और ये पत्ता गोभी, इसको अच्छे से भूनेंगे मुलायम होने दें। इसको भी तेज आंच पे भूनना है। ये देखिए पत्ता गोभी मुलायम हो गई। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को अच्छे से मिलाने के बाद उसमें अब हम पास्ता मिक्स करेंगे। पास्ता को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए इसको ढक के धीमी आंच पे रख देंगे जिससे अच्छे से मसाले पास्ता में मिक्स हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गया, हमारा देसी मसालेदार पास्ता तैयार है। गर्मा गर्म परोसने के लिए देसी पास्ता मसालेदार बन के तैयार है। एक बार ट्राई करिए, पसंद आए लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।